जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम के बारे में। देखिएगा सोलर सिस्टम्स क्या होता है, तो हम आपको आसान भाषा में बता देते हैं। ये जो आपको कुछ ऑब्जेक्ट जो है, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये जुपिटर जो है रोटेट करते हुए दिखाई दे रहा है, या और भी सारे प्लैनेट जो है रोटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली रोटेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, आसान भाषा समझे तो ये जो आप सेंटर में जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग सन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सन है। सन के सराउंडिंग जो है अपने फिक्स ऑर्बिट पर ये जो है कुछ ऑब्जेक्ट जिसको रोटेट करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनेट के नाम से जानते हैं। प्लेनेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सेंटर में सन है और उसके सराउंडिंग जो भी आपके जो है ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रही है उसको हम लोग प्लेनेट्स कहते हैं। रूल नंबर पहला। और प्लेनेट का दो शेप होता है। दूसरा शेप होता है, कुछ प्लेनेट सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं, कुछ प्लैनेट्स का होते हैं गैसेस फॉर्म में होता है। तो देखिएगा कैसे पता चलता है कि सॉलिड और गैसियस है, तो देखिएगा ये आपका जो है, देखिएगा आराम से कि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स। क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। तो एस्टेरॉयड बेल्ट्स के अंदर जो भी प्लैनेट्स होता है इसको हम लोग इनर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, और जो एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर होता है उसे हम लोग आउटर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। जो आपके इनर होता है वो मोस्टली जो है आपके सॉलिड मटेरियल से क्या होते हैं, रॉक से मिलकर बने होते हैं, और जो उसके बाहर होते हैं वो गैसेस से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लो सैटर्न हो गया, सैटर्न, और इसको हम शनि ग्रह कहते हैं, और आपका जुपिटर हो गया। क्या हो गया? जुपिटर। तो ये देख रहे जुपिटर है जो आराम से चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो जुपिटर है ना, ये आपका जो है गैसेस प्लैनेट्स है, ठीक है ना। दूसरी बड़ी बात बता देते हैं कि सैटर्न और जुपिटर जो है गैसेस प्लैनेट है। उसके बाद से जो यूरेनस है या नेपच्यून है, ये आपका क्या है, आइस आइस वाला ग्रह है, मतलब आइस से मिलकर क्या है बना हुआ। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो देखिएगा, जैसे कि आप देखिएगा ये फर्स्ट प्लैनेट्स है जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मरकरी। ये फर्स्ट नंबर पे आता है, कि ये जो आपका जो है पहला ऐसा प्लैनेट है जो सन को फर्स्ट ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाने का काम करता है। उसके बाद से ये आपका वीनस है, ठीक है ना। क्या है? ये वीनस है, दिख रहा होगा, ये आपका वीनस है, ये सेकंड ऑर्बिट में होता है। हाँ, इसमें ये बात है कि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फेट होने की वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे क्या है, गर्म क्या है, प्लैनेट्स है, ठीक है ना। उसके बाद से हम बात करते हैं अर्थ का, तो अर्थ की बात कर लेंगे। देखिए हमारा अर्थ है जिसको हम लोग ब्लू प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, और ये जो आपको ऑर्बिट दिखाई देता है ये आपका क्या है, मून का ऑर्बिट है। और मून हमारा क्या है, एक आपका जो है नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, जो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना मून, ऐसे आराम से मून बेचारा रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, ये हमारा मार्स है, ठीक है ना, ये मार्स हो गया। तो मार्स के पास भी आप देख सकते हैं दो आपके सैटेलाइट्स है, और ये हमारा क्या है, मार्स है, ठीक है ना। और दो आपके जो सैटेलाइट्स का चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका जो नॉर्थ पोल है, क्या, नॉर्थ पोल। तो देखिएगा बारीकी से देखिएगा, ये नॉर्थ पोल पर क्या है, यहाँ पर आइस क्या है, जमा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे साइंटिस्टों का मानना है कि आइस आपका जो वाटर हो सकता है, नहीं तो आपका जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। सर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो सकता है, मैं आपको ऑलरेडी से 9 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई कंप्रेशन करते हैं तो वह क्या हो जाता है, सॉलिड जो है आइस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसे मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर हम बात कर लें, ये हमारा क्या है, जुपिटर से, ठीक है ना, ये जुपिटर से दिख रहा होगा, जुपिटर, जुपिटर हमारा क्या है, एक गैसियस प्लैनेट है। क्या है? ये गैसियस प्लैनेट्स है। उसके बाद से अगर हम लोग बात कर लेते हैं सैटर्न का, किसका बात करते हैं, सैटर्न का, तो देख सकते हैं सैटर्न भी क्या है, ये आपका एक गैसियस प्लैनेट है।